नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने दाद खाज खुजली जैसी समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कई बार देखा जाता है मौसम बदलने के साथ साथ हमारी स्किन में कई ऐसी समस्याएं होती है जैसे कि दाद खाज खुजली। अगर दोस्तों आप दाद खाज खुजली का समय से इलाज ना कराएं तो आपके लिए बहुत ही परेशानियों का कारण बन जाता है। जैसे कि दोस्तों आप इसका समय से इलाज नहीं कराते हैं तो आपके शरीर पे एक्जिमा का रूप ले लेती है, ये आपके लिए बहुत ही परेशानियों का कारण बन जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो नुस्खा बताएंगे उससे आप अपने दाद खाज खुजली को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन नुस्खे को। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारियाँ आप सभी को मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। तो आपको इसमें लेना होगा सबसे पहले वो है फ्रेंड्स निबोल ट्यूब। दोस्तों निबोल ट्यूब आपके मार्केट में बहुत ही आसान से मिल जाता है। दोस्तों निबोल ट्यूब आपको बहुत ही आसान से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और दोस्तों आपको ये बहुत ही सस्ते दामों में आता है। दोस्तों आपको बहुत ही आसान से इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आप अपने दाद खाज खुजली में हुए फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा जैसी समस्या को बहुत ही आसान से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आप ले लें निबोल ट्यूब और उसके बाद से फ्रेंड्स आपको लेना होगा फिटकरी। दोस्तों फिटकरी आपके स्किन पे जमे हुए कीटाणु को मारता है, आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है और साथ ही साथ आपके दाद खाज खुजली को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों आप ले लें लगभग इतनी मात्रा में फिटकरी और उसके बाद से आप इसे पीस लें। पीस लेने के बाद फ्रेंड्स आपको एक कुछ इस तरह का दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको। तो फ्रेंड्स आप ले लें लगभग इतनी मात्रा में इसकी मात्रा, तो आप इतनी मात्रा में फिटकरी को ले लें और फ्रेंड्स इसके बाद से आपको जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स हल्दी की। दोस्तों हल्दी आपके दाद खाज खुजली को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है क्योंकि दोस्तों हल्दी में एंटी फंगल एंटीबायोटिक और एंटी इरिटेटिंग गुण पाया जाता है जो कि आपके दाद खाज खुजली के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों आप ले लें लगभग इतनी मात्रा में हल्दी और फ्रेंड्स इसके बाद से आपको इसमें जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स निबोल ट्यूब की। तो आप यहाँ पे ले लें दो निबोल ट्यूब और उसे अच्छे से काट लें या फिर आप अपने नाखून से भी तोड़ सकते हैं। इसमें आप दो निबोल ट्यूब को निचोड़ लें और निचोड़ लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा, किस तरह से करना होगा कि आपकी दाद खाज खुजली की समस्या बहुत आसान से खत्म हो सके। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक रुई और उसी रुई की सहायता से आप अपने दाद खाज खुजली पे लगा लें। दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी दाद खाज खुजली की समस्या बहुत आसान से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इसका इस्तेमाल लगातार 3 से 4 दिन करना है। दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी दाद खाज खुजली की समस्या बहुत आसान से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी जानकारी यहीं तक। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत